गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्वप्निल, आपका स्वागत है एलिवेट क्लास राजा में, जो बेसिकली आपको पढ़ाता है बेसिक्स फंडा ऑफ मैथमेटिक्स। जिस जिस बच्चे का जो मैथ्स वीक होता है उसके पीछे का जो रीजन होता है, उसका बेसिक जो होता है वो क्लियर नहीं होता है। तो चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज में क्वेश्चन एंड आंसर का सोल्यूशन देखते हैं। तो आज अपन ने क्वेश्चन लिया है tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो अपने को फाइंड करना है tan थीटा से sin थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू, tan थीटा की ऑलरेडी वैल्यू वी नो, देन cot थीटा की वैल्यू, sec थीटा की वैल्यू और cosec थीटा की वैल्यू क्या आती है। अपने को पता है सिर्फ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, अपने को बाकी के जो पांच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो चलते हैं कैसे फाइंड करते हैं। क्या अपने को tan पता है? बिल्कुल tan पता है अपने को। उसके अलावा एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी पता है। कौन सी आइडेंटिटी है? 1+, जो आइडेंटिटी है 1+ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। ये जो है सेकेंड आइडेंटिटी है। जिसने ये आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है, जो मेरा दूसरा वीडियो है उसमें मैंने डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन दिया है, प्रूव करके दिया है 1+ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा कैसे होता है। तो आइए जानते हैं, अपने को tan थीटा की वैल्यू पता है 3/4, तो अपन ढूंढेंगे यहाँ से sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखते जाएंगे 1+ क्या होता है, tan की वैल्यू क्या है 3/4 होती है, उसका स्क्वायर है, और अपने को फाइंड क्या करना है sec स्क्वायर थीटा। कांस्टेंट कांस्टेंट की तरफ है, वेरिएबल्स वेरिएबल्स की तरफ है, तो नो प्रॉब्लम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1+ जो आता है 1+ ये जो आता है 1+ 3 का स्क्वायर आता है 9 और 4 का स्क्वायर आता है 16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 16 × 1 16 होता है, प्लस 9 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। अपने को इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6+9 15 कैरी 1 25 आएगा, 25/16 दैट इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। लेकिन अपने को sec नहीं चाहिए, ओनली क्या चाहिए, sec थीटा चाहिए, अपने को sec स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इधर लिखेंगे sec थीटा इज इक्वल टू 25/16 अंदर रूट में डाल देंगे, इसकी वैल्यू बिल्कुल आ जाएगी। तो इसकी इसका जो स्क्वायर होता है 5 और इसका होता है 4, तो अपनी वैल्यू क्या आई, sec थीटा इज इक्वल टू 5/4। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे sec थीटा इज इक्वल टू 5/4। तो आइए, ये हो गया फर्स्ट आंसर। तो अपने को क्या पता है, sec थीटा पता है, cot थीटा पता होगा क्या, बिल्कुल पता होगा, cos भी थीटा पता होगा। अपने को एक पता है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा होता है। तो 1/sec थीटा होता है, अपने को वैल्यू पता है sec थीटा की वैल्यू 5/4, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/ sec थीटा क्या है 5/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो उल्टा करेंगे 4/5, ये हो गई cos थीटा की वैल्यू, ये हो गई cos थीटा की वैल्यू। तो sec थीटा पता था तो cos थीटा भी पता चल गया, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई 4/5, बिल्कुल आ गई। तो दूसरा अपने को क्या पता है, tan पता है, इसके अलावा cot थीटा भी पता चलेगा, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। तो अपने को cot की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, cot क्या वैल्यू है, cot की सॉरी tan की वैल्यू क्या है 3/4 है, तो cot की वैल्यू पता चलेगी 3/4। तो इसका उल्टा करेंगे तो 4/3, ये हो गया cot थीटा की वैल्यू, बिल्कुल लिखेंगे तो क्या है यहाँ पे cot थीटा की वैल्यू 4/3 आ गई, बिल्कुल आ गई।
तो अपने को पता था tan theta is equal to 3/4 एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करके sec theta निकाला sec theta का रेसिप्रोकल होता है cos theta और tan theta का रेसिप्रोकल होता है cot theta इसलिए यहां पे अपन ने रेसिप्रोकल लिखे थे तो आइए आगे देखते हैं कौन से वैल्यू फाइंड करना है sin theta वैल्यू फाइंड करना है और cos theta की वैल्यू फाइंड करना है तो क्या अपन तीसरी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं cot theta is equal to cosec square theta already we have proved that formula OA formula in this we have proved that what is this identity this is what second identity is this is what third identity is so I will third identity use karke cosec theta to kya hai cosec theta to jante hain apne ko pata hai cot theta is equal to how much 4/3 तो यहां से क्या मिलेगा cosec theta मिलेगा बिल्कुल मिलेगा cot theta is equal to how much 4/3 होता है 4/3 होता है इसका स्क्वायर करेंगे और यहां पे cosec square theta होता है वेल कांस्टेंट कांस्टेंट की तरफ है और वेरिएबल्स वेरिएबल्स की तरफ है तो इसको और सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर आता है 16 इसका स्क्वायर आता है 9 3 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा तो अपन इसको सॉल्व करने के बाद देखेंगे 9 into 1 9 हाउ मच 9 एंड 9 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज इक्वल टू व्हाट cosec स्क्वायर थीटा यहां इस एडिशन करेंगे तो आएगा 25 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू cosec थीटा लेकिन अपनी को चेंजेस सिर्फ cosec थीटा इसलिए हम क्या करेंगे cosec थीटा इज इक्वल टू अंडर 25/9 इज इक्वल टू 5/4 ये जो वैल्यू होती है ये हो गई cosec थीटा की तो अपने को क्या मिला cosec थीटा 5/4 मिला बिल्कुल मिला तो क्या अपन जानते हैं cosec theta is a reciprocal of sin theta इधर लिखेंगे cosec theta sin theta is equal to reciprocal of cosec theta बिल्कुल होता है तो sin theta की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 1 divided by cosec की वैल्यू क्या है 5/4 that is equal to 4/5 ये हो गई sin की वैल्यू तो क्या हो गए साइन की वैल्यू 4/5 अपने को सिर्फ पता था टैन थीटा की वैल्यू से अपन ने फाइंड किया साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा वी यूज हियर फर्स्ट सेकंड आइडेंटिटी एंड थर्ड आइडेंटिटी कॉस इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक सिमिलरली कॉट इज आल्सो रेसिप्रोकल ऑफ टैन हियर साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक तो स्टूडेंट्स माय डियर फ्रेंड्स ये था इसका पूरा सॉल्यूशन आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है ये जो आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं तो ऐसे खूब सारे क्वेश्चन पढ़ने के लिए मेरा चैनल जो है एलिवेट क्लास राजूरा आपको सब्सक्राइब करना है और आने वाले वीडियो को देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब के साथ आपको बेल आइकन भी दबाना है तो मिलते हैं बाय-बाय